कमीनों ने इसके साथ ये क्या कर दिया? बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी। चलो इसे मेरे घर लेकर चलते हैं, जल्दी उठाओ इसे। चलो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, चलो उठाओ इसे। माथा सुन रहे हो ना, मेरा मुख क्या देख रहे हो, उठाओ इसे, अरे इसे मेरे घर लेकर चलो, चलो जल्दी जल्दी उठाओ इसे। चलो आप लोग हटिए यहां से। माधव माना कि बहुत गलत हुआ, पर उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? हो सके तो ये बात भूल जाओ और कोशिश करो वो भी भूल जाए। तुम उसका साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी मानसी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सच कहूं तो मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। पता है जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने गया था उस दिन क्या हुआ? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा जवाब हमेशा ना ही होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। दीपक के साथ मैं बहुत खुश थी। वक्त के साथ साथ हम दोनों का प्यार और गहरा होता चला गया। उठते बैठते सोते जागते एक दूसरे के अलावा हमें कुछ और सूझता ही नहीं था। हम जैसे एक दूसरे में खो गए थे। घूमते फिरते साथ वक्त बिताते एक ऐसा मोड़ आया जब हमें महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वो मुझसे 2 साल बड़ा है। पढ़ाई खत्म करके वो अपने घर चला गया। तुम तो जानते ही हो ना मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें मेरे अफेयर के बारे में पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। माधव तुमसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, क्या तुम मुझे दीपक के पास ले चलोगे? सच कह रहा हूँ, आज तो तुम्हें सलाम करने का मन कर रहा है। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जिस लड़की को तुम इतना प्यार करते हो उसे किसी और के साथ देख पाओगे? मैं तुम दोनों के लिए टैक्सी मंगवाता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चुप मत रहो मानसी, कुछ तो बात करो ना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे नसीब का है। मेरी इज्जत पर जो दाग लग चुका है अब वो कभी नहीं मिट सकता। इस तरह मैं दीपक के सामने कैसे जाऊं? मन तो कर रहा है कि मैं मर जाऊं। स्टॉप इट मानसी, मरने की बात भी मत करना। तुम्हें याद है तुम्हें कहा था कि दीपक तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उस गलती के लिए तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो जिस पर तुम्हारा कोई बस नहीं था? अगर छोटी उम्र में कोई लड़की अपने पति को खो दे तो क्या उसे जीने का कोई हक नहीं होता? क्या उसे अपनी ख्वाहिशों का अपने अरमानों का गला घोट देना चाहिए? वो भी तो नए सिरे से जिंदगी जीती है ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, फिर भी तुम्हें कोशिश करनी होगी। प्लीज दीपक से इस बारे में कुछ भी मत कहना। माधव मैं उससे ये बात नहीं छिपा सकती। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। नहीं दे सकती माधव। 100 झूठ बोलकर भी शादी करना चाहे से, और वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है मानसी। लेकिन अगर उसे नहीं बताया तो गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा। अगर दीपक तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मानसी। देखना दीपक तुम्हारी बात जरूर समझेगा, मेरा यकीन करो। ये सब भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। टैक्सी आ गई है, चलो बैठ जाओ। वो मेरी पहचान वाला है, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। ए राजा जाने,
आ गया राजा जानी, अब ना होगी कोई परेशानी। आ जाओ आराम से आराम से। जाओ मानसी तुम अंदर बैठ जाओ। छुट्टन आपके एहसान हम कैसे चुकाएं? अरे कैसी बातें कर रहे हो, संभल कर जाना। हाँ नमस्ते जी, बैठिए। अरे हम का भैंस की तरह कहाँ हाँक रहे हो? वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब? तो ये बता इसे चलाकर क्यों नहीं लाया, ऐसे खींचकर क्यों लाया? अरे सरकार जो आदेश दिया है ना डीजल बचाओ खातिर, तो चलते फिरते अपने गले में एक लालटेन भी लटका कर चल, तुम्हारी बिजली भी बच जाएगी। तू बात मत करो, ज्यादा बकवास की ना तो अभी हम तोहका सबदम का सोला दिखा देंगे। अरे 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 फालतू की बात करता है। अरे गजब, तुम ये आलोक नाथ से नाना पाटेकर कहाँ बन गए? ऐसा ही हूँ मैं। ऐसे हो लेकिन तू क्यों नहीं सुधरा अब तक? मेरे भाई अब जल्दी निकल, इन्हें रामपुर तक जाना है, अंधेरे से पहले पहुंचा देगा तो अच्छा है। आराम से गाड़ी चलाना, कोई गड़बड़ मत करना। माल मचा देंगे। मौका मिला तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। हेलो, अरे कसम उड़ा मेरी, ये कब हुआ? अरे दुश्मन जमाना। ठीक है हम जल्दी पहुंचता हूँ। छुट्टन हमारी चाचा की बहन के बेटे का ससुर मर गया है, हमारी बीवी ने बताया अभी। अरे देखो तुम्हारे भक्त की हालत का हो गई भगवान। भैया जी भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए आपको? अरे ओ मिनी ड्राकुला, अब कुछ दिन तक पूजा अर्चना नहीं कर सकते है। ए गायब के तुसार, ऐसे गोलमाल बातें मत कर, अब जल्दी जा और गौमूत्र ढूंढ कर ला जा। गौमूत्र? इस जंगल में गौमूत्र कहाँ मिलेगा? और जंगल के फर्दी तो देख, वो देख गाय, चल जा। ये लात तो नहीं मारेगी। अबे जाता क्यों नहीं, जा चल। गाँव हमारी माता है, हमका कुछ नहीं आता है। अरे भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे थोड़ा सा, अरे अरे भैया रुक जाओ, अरे हम ज्यादा नहीं मारने, हमको थोड़ा नहीं चाहिए, अरे बात नहीं मारूंगी। अब क्या करें, गौ माता तो हमारे हाथ से निकल गई, अगर खाली हाथ गया तो भैंसा हमको फिर से दौड़ा देगा, कैसे उस भैंसा को समझाए? छुटनवा अपनी मोटी बुद्धि को दौड़ा और कुछ तिकलम भिड़ा। आइडिया किसके किसके? जिसको ढूंढा हमने गली गली उन तो हमरे पास ही मिली। भैया जी ई लीजिए गौमूत्र। कह रहा है मिस्टर इंडिया, इतना देर कहाँ लगी? गौमूत्र लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था हमरे लिए, आ ही नहीं रही थी। क्या बोल रहा है? नहीं, गाय को नहीं आ रही थी, हमरे सामने थोड़ा शर्मा रही थी, फिर हम उनका समझा ये भैंसा के लिए कितना जरूरी है, भैया जी के लिए। अरे ये तो सैंपल है, बाकी कहाँ है? भैया वो का है ना, आज तो ड्राई डे है, वो तो हमरे कहने पे गौ भैया ने इतना दे दिया। वरना वो का भी ड्राई डे है आज, तो हम क्या करें? पीले पीले भैंसे की औलाद, शायद इसी से तेरे अकल का पत्थर हट जाए। अरे वाह, एक बात बता हमका छुट्टन, ये गाय कौन से खेत का घास खाती है रे? इसका स्वाद तो मजेदार था। भाई क्या है भाई, क्या टाइम पास करो, लेट हो रहा है हमें। चल भाई छुट्टन। क्या बात है सरकार, आज आप खुद दर्शन देने कैसे चले आए? मेरी बेटी लापता है। लापता नहीं, भाग गई है। कमीने, तुझे मेरी बेटी के बारे में ज्यादा मालूम है, तू भूल गया मेरे पास इतना बड़ा एक सलिया है जिसे मैं गरम करके। अच्छा सरकार, आप अपनी बेटी की फोटो वोटो लेकर आए हैं? खड़ा क्या है, फोटो दे। भाई साहब हाँ बहुत भूख लगी है। ठीक है आगे एक ढाबा है वहाँ रुकता हूँ। हीरो
बहुत देर से हमरे माइंड में एक टसन चल रहा है। जब से हमारी गाड़ी में बैठे हो देवदास वाला लुक बनाए हो। देखो हम इंसानियत के नाते तुमको एक सलाह देता हूँ, जिंदगी का साथ निभाते रहो, फिक्र को धुएं में उड़ाते रहो। देखो हीरो, हम ये जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत मुश्किल में है। अरे छोड़ो वो सब, बेफिक्र हो जाओ, अरे धमाल मचाओ, डबल धमाल मचाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीतल, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चलो छोड़ो, छोड़ के मत जाओ प्लीज। फालतू में गले पड़ रहा है, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या हो गया मेरे साथ, मुझे छोड़ के चली गई, क्या होगा मेरा। अबे हट गई है क्या तेरी, गाय को मजा किरकिरा कर रहा है, मुझे हाथ लगाने वाला है कौन तू? तेरा बाप। अबे देख क्या रहे हो सालो। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों मार रहे हो सर? आप आज पुलिस स्टेशन में जिस लड़की की फोटो आई थी, हमको लगता है वो यही है। अरे पकड़ो ना साहब, साहब साहब, वो जिस टैक्सी में आया उसका ड्राइवर यही बताया। छुट्टन, ये दिलवाला तो दुल्हनिया ले गया है। जा दो मिनट करा, पहले ससुराल तो चल, तुझे बिरयानी खिलाएंगे। मानसी, मेरे ख्याल से इस बाइक पर चलना ठीक नहीं होगा, पुलिस के पास इसका नंबर है और वो आसानी से हमें ट्रेस कर सकते हैं। इसे हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है? जब तक तू अपना मुंह नहीं खोलता कि वो लड़की कहाँ मिलेगी, तब तक तू पिटता रहेगा। देखने में तो तू किसी सी ग्रेड फिल्म का घटिया कॉमेडियन लगता है, और इसे देख छिछुंदर साला, इसकी शक्ल तो क्राउड में खड़ा करने लायक भी नहीं है। रामलीला में हनुमान मैं बनता हूँ बंदर ये। अरे ये तो बहुत ही बेइज्जती कर दी है सर। कसम अपने फिल्मी चक्कर की, वो हीरोइन कौन थी हमका नहीं पता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो तोहफा कबूल करवा के दिखाएगा। थोड़ी तो शर्म कर, अपनी नहीं तो उन फिल्मों की इज्जत कर ले। देख मैं फिर से पूछ रहा हूँ साहब, हमारा जवाब भी वही रहेगा। उनकी जिंदगी के सफर में हम तो सिर्फ गाड़ी के हम सफर थे, हमको क्या मालूम कि वो 9-2-11 हो जाएगा। हमको पता होता कि वो रफू चक्कर हो जाएंगे तो हम तो उनको शुरू में ही बोल दिया होता कि हम आपके यहाँ कौन। कसम पैदा करने वाले की, हम बस एक छोटा सा पैक मारे वो भी नीट। सच सच बता तो उनके बारे में और क्या जाता है, चल। सर हम आपको अपना दुख भरी कहानी सुनाता हूँ, हमारी कहानी बिल्कुल बाजीगर के शाहरुख खान जैसी है सर।
हम तो बस मौके की तलाश में थे सर, पर हमें विलन नहीं हीरो बनना था, क्योंकि हम अपनी माँ का इकलौता तारा है। वो सपना देखी थी कि हमका आखिरी रास्ता का अमिताभ बच्चन बनाएंगी आपकी तरह एक निडर पुलिस वाला, पर जब से हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखे तब से हमने सोचा कि हम सिर्फ टैक्सी चलाएंगे। सर हम कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं जानते। चल भाग जा। बहुत है सर। बहुत मेहरबानी सर। निकल निकल। ए, इनके कपड़े दे दे इन्हें। क्या साहब, इन्होंने इतना ड्रामा किया फिर भी आपने इन्हें छोड़ दिया? फिल्मी दीवानों का दर्द तुम क्या जानो। पता है मैं भी एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बन गया पुलिस वाला। नसीब अपना अपना है।